बुंदेलखंड का दमोह शहर अब शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि प्रतियोगिताओं के क्षेत्र में भी अन्य जिलों महानगरों को पछाड़ता हुआ आगे बढ़ रहा है। हाल ही में एक बाइक मैकेनिक की बेटी रितिका विश्वकर्मा ने मध्य प्रदेश की राष्ट्रीय जूनियर हॉकी टीम का हिस्सा बनकर झारखंड के खिलाफ खेले गए कड़े मुकाबले में जीत दर्ज कर एमपी को पहली बार गोल्ड मेडल दिलाया है। रितिका ने दमोह जिले को तो गौरवान्वित किया ही है, इसमें कोई दोहराय नहीं है। एक छोटे से शहर के जबलपुर नाका पर रहने वाली रितिका को इस मुकाम तक पहुंचने के लिए काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। मैंने 2018 में खेलना स्टार्ट किया था। मेरे स्कूल के पीछे एक ग्राउंड था, चट ग्राउंड था, वहाँ मिट्टी का ग्राउंड, वहाँ पर कुछ बच्चे खेलते थे तो मुझे भी इंटरेस्ट आया और शुरू से मुझे स्पोर्ट्स में जाना था। तो धीरे धीरे वहाँ पर मुझे हॉकी दिखा तो मुझे वो अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग गेम था तो मैंने स्टार्ट किया। वहाँ पर हम लोग को फीडर सेंटर चलाते थे, आज दिन लाइन सर है वो, उनने हम लोग को प्रशिक्षण दिया और वो अभी भी वही देते जा रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने 2018 में फर्स्ट नेशनल खेला था, स्कूल नेशनल खेल रही थी। फिर उसके बाद हम बाहर सिडनी खेलने गए, स्टेट खेलने, वहाँ पर ही मेरा सिलेक्शन हुआ। फिर सेकेंड नेशनल खेला मैंने 2023 में। इसके बाद रेगुलर कोरोना में हमारी ऑनलाइन क्लासेस थी जो दिल्ली से कोच करते थे, उनकी ट्रेनिंग में मैंने कोचिंग करी। 2-3 महीने मैंने रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करी। तो सारे सब लोगों ने मेरा बहुत सपोर्ट किया और फैमिली से भी मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है। मतलब कभी भी किसी चीज़ के लिए रोक टोक नहीं, मुझे जहाँ भी जाना जैसे भी हर चीज़ में मेरा सपोर्ट किया है, किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। और फिर मैंने 2023 में मैंने नेशनल गई, इसमें हमारा मैच झारखंड से हुआ फाइनल मैच और हम एक उसे जीत गए तो हमारे गोल्ड मेडल लिया। ये एमपी ने पहली बार मेडल जीता है गोल्ड मेडल, इसके पहले सिल्वर ही आता था हमेशा। बहुत खुशी की बात है हमारे लिए, हम गरीब परिवार से हैं, मजदूर परिवार से हैं, हमने जीवन लेबर किया है, बच्चे इतने आगे आगे आ रहे हैं, हमें बहुत खुशी की बात है। हमारे गांव के लिए खुशी की बात है, शहर के लिए खुशी की बात है और हमारे क्षेत्र में विकास इस चीज़ बहुत तेज़ी से हो रहा है। खेल के प्रति सभी बच्चा उत्साह से आगे आ रहे हैं।